अरे क्या बताऊं मेहता साहब, अभी यहाँ घर में वो हांगकांग डिज्नीलैंड को लेकर मीटिंग थी, तो भीड़ा का मैंने थोड़ा मजाक उड़ाया तो उसको बुरा लग गया, तभी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी उसने मेरे सर पे थोप दी। अब देखना तुम अपने कंधे पर सबकी जिम्मेदारी का पहाड़ लेकर जब एक घर से दूसरे घर पे भागना पड़ेगा ना, तब जेठाल को पता चलेगा कि ग्रुप लीडर बनना कितना मुश्किल का काम होता है। जेठा भाई वेलकम। कैसे चल रही है तैयारी कमल बाबू? जोरदार है ना। ओहो, अरे बापरे, इतना सारा नाश्ता। अति भाई, हम लोग हांगकांग डिज्नीलैंड घूमने जा रहे हैं, खाने थोड़ी जा रहे हैं। हंस गोली, सुना आप लोगों ने जेठा भाई ने क्या कहा? अभी इतना सारा नाश्ता लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां रेस्टोरेंट्स भी तो हैं। राइट जेठा भाई? आती भाई, गोली, कमल भाभी, देखिए वहां हमें थोड़ा खाने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या वहाँ हमें चलना बहुत पड़ेगा, तो थोड़ा कम खाएंगे ना तो क्या हल्का फुल्का रहेंगे तो चलने में घूमने में मजा आएगा। नहीं मतलब कम खाना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कम खाओ, थोड़ा संयम रखिए बस वही। अच्छा अच्छा, संयम संयम तो हमारा यहीं से चालू है जेठा भाई, हम कहाँ ज्यादा नाश्ता ले रहे हैं। हाँ अंकल, सिर्फ सेव कुरमुरा, लेमन बेल, गार्लिक सेव, दाल, भाखरवड़ी, सोन पापड़ी और शकरपारा, चिवड़ा, चकरी, चने की दाल, पाव भाजी खाकरा, पानी पूरी खाकरा और मेथी खाकरा, पोटेटो वेफर, शेजवान वेफर और केले की वेफर, बस बस। सही हम जेठा भाई। बबीता जी, अय्यर भाई, 100 साल जिएंगे आप लोग। अभी मैं आपके घर पे आ रहा था। क्यों? अरे क्यों क्या अय्यर भाई, अभी आप सब लोगों ने मिलकर मुझे ग्रुप लीडर बना दिया है, सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे थोप दी है, तो अभी बारी बारी सबको एक एक करके इंस्ट्रक्शन देने निकला हूँ। हाउ लवली, तो बोलिए हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? अरे नहीं नहीं बबीता जी, ऐसी जरूरत मैं कैसे कर सकता हूँ, आपको इंस्ट्रक्शन मैं दूँ? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, और आपको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, आप एकदम परफेक्ट है, आपका सारा काम भी परफेक्ट होता है। इंस्ट्रक्शन अय्यर भाई के लिए। मेरे लिए? मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है जेठालाल? सबसे पहले अय्यर भाई, देखिए हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है, तो वहाँ प्लीज साथ में रहना, हा? कहीं आगे पीछे मत हो जाना। दूसरा, रोज सुबह हम लोग घूमने निकलेंगे तो बताई हुई जगह पे और दिए हुए टाइम पे समय सर पहुंच जाना, लेट मत करना बस। लेट मैं नहीं जेठालाल, लेट हमेशा तुम होते हो, मैं अपने लाइफ में कभी भी लेट नहीं होता हूँ। क्या लेट नहीं होता हूँ, क्या बोल रहे हैं यार भाई, अरे ऐसा कितनी बार हुआ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप और बबीता जी जब भी कहीं बाहर जाने के लिए निकलते हो तो बेचारा बबीता जी कंपाउंड में आपकी राह देखते खड़े होते हैं, बारिश हो, कड़कड़ती धूप हो, ठंडी हो, फिर भी आप आते हो आराम से अपने टाइम से, है कि ना बबीता जी? मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, you're absolutely right. तो देखा बबीता? क्या बबीता, देखो ये तुम्हें तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। देखे जेठालाल, she is joking. Don't worry जेठा जी, अय्यर को टाइम पे लाने की जिम्मेदारी मेरी है, ओके? खत्म, आपने बोल दिया, जिम्मेदारी आपने ले ली है, बात खत्म, आपने सारा टेंशन मेरे सर से उतार दिया। चलिए अभी सोडी के घर पर जाता हूँ, उसको भी इंट्रक्शन देना है। ओहो जेठा भाई, स्वागतम है घर मगदम और वेलकम आपका, जय यारा, ओ मेरे ग्रुप लीडर। थैंक यू सोडी, थैंक यू सोडी। कितने बैग है? नो बैग। नहीं नहीं, इतना सारा सामान लेके नहीं जा सकते भाई, प्लेन में एक जन का 20 किलो ही अलाव है। अरे अरे जेठा बोला, और प्लेन में हांगकांग जाते हुए इतना नहीं लेके जा। ओए पापा जी, बड़े भोले हो यार। वो कह रहा जेठा बोला, और घर में जितने बैग थे ना वो मैंने बाहर निकाल के रख दिए, अभी माई डार्लिंग रोशन आएगी ना, इसमें से 3 बैग सिलेक्ट करेगी और वो लेके हम लोग निकल पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन 3 दिन के लिए 3 बड़ी बड़ी बैग लेने की जरूरत नहीं है।
मुझे लगता है तुम तीनों का सामान एक बड़ी बैग में आ जाएगा। ओ हाँ जेठा बरा, ओ हम तीनों का सामान तो हम एक ही बैग में रखने वाले हैं। तो फिर बाकी की तो खाली बैग क्यों लेनी है साथ में? ओए जेठा बरा, हांगकांग डिज्नीलैंड जा रहे हैं यार, ओ वहाँ पे जाके जम के शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, तो बाकी दो बैग शॉपिंग बैग है। अच्छा, लेकिन जरा संभल के शॉपिंग करना है छोटी, वापसी में भी एक जन को 20 किलो ये लावे हैं। ओ कोई गल नहीं यार, वो एक्स्ट्रा वेट होगा तो एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे ना, तो दे देंगे, ओ प्लेन से थोड़ी ना उतार देंगे। नहीं मतलब वो है ना दिमाग में, बराबर, ठीक है ठीक है। पर छोटी इतनी सारी बैग घर में? ओए जेठा बरा, ओ मेरे को बचपन से ही बैग कलेक्शन का शौक है, वो जैसे किसी किसी को स्टैंप कलेक्शन का शौक होता है ना, ऐसे ही मेरे को बैग कलेक्शन का शौक है यारा। बढ़िया, अलग अलग शौक है, वाह। ओए होए कितनी सोनी सोनी बैग्स हैं। अंदर आ सकता हूँ माधु बाबू? अरे जेठा भाई आइए ना, आइए बैठिए। नहीं नहीं बैठने का टाइम नहीं है माधु बाबू, अभी मैं एक ग्रुप लीडर एक कम में वो ग्रुप लीडर होने के नाते यहाँ आया हूँ कुछ इंस्ट्रक्शन देने। ऐसे शिक्षक होके इतना नहीं मालूम? अरे सूचना। जेठालाल उसे इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। वो मूल शब्द इंस्ट्रक्शन ही था, पर क्या लोगों को बोलने में जम नहीं रहा था, इसलिए उसका अपभ्रंश होते होते वो इंस्ट्रक्शन, हाँ वो हो गया। तो क्या इंस्ट्रक्शंस है? इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, इंस्ट्रक्शन ये है कि मुझे पता है आप दाढ़ी वो अपने जमाने के रेजर से करते हो, ऐसा नीचे से ऐसा खुलता है, दो दरवाजा फिर खुलता है, उसके ऊपर चोरस ब्लेड रखते हैं, बराबर? हाँ सालों से यही यूज कर रहे हैं ये, है ना? एक मिनट, हाँ तो? और वो ब्लेड का एक अलग बॉक्स भी होगा। हाँ तो उसका क्या? वो जो ब्लेड है वो प्लेन में अलाउ नहीं है। ओके भाई, हाँ लेकिन जेठालाल मैं प्लेन में दाढ़ी नहीं करने वाला। नहीं मतलब मुझे समझ में आ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन तुम जो बोल रहे हो ना वो हैंड बैगेज में अलाउड नहीं होता, लेकिन जो हम लोग लगेज चेक इन करते हैं ना उसमें वो डाल सकते हैं। मतलब मालूम है ना तुमको? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बस नहीं क्या है, गलती से अगर आपने वो ब्लेड हैंड लगेज में डाल दिया तो एक के दाढ़ी की वजह से पूरा ग्रुप की हजामत हो सकती है ना, नहीं माधवी बाबे? हो ना। हाँ नहीं नहीं वो मैं ध्यान में रखूंगा। और बस अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अरे मेरा मतलब है और इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस क्या है? और इंस्ट्रक्शन क्या देना, आप तो बहुत होशियार आदमी है, जानकार आदमी है, सब जानते हैं हैंड लगेज में क्या रखना है, मेन लगेज में क्या रखना है। मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए, आप बैठे ना। नहीं नहीं माधवी अभी चाय पीने का टाइम नहीं है, क्या ग्रुप लीडर बना दिया गया हूँ तो बहुत सर पे बोझ है काम का, बहुत काम है, तो चलता हूँ फिर कभी, चलो। All the best. My dear Bena का फोन। Hello my dear Bena. क्या बात कर रही हो Bena? Hongkong, Disneyland. हाँ हाँ हम लोग Hongkong Disneyland जाने वाले हैं और टप्पू के वापस सब आयोजन करने वाले हैं। Group leader है, group leader. Bena ये तो एकदम धमाकेदार न्यूज़ है। माय डियर जीजा जी को मेरी ओर से बधाई देना और हांगकांग में मिकी भाई को मेरी ओर से कम जो मिकी भाई ऐसा पूछना। हां जरूर जरूर। कौन है? मीरा है। अब मीरा मैं तो कहती हूं तू भी आना साथ में, वो जाएगा ना। प्लान फुल हो गया है। प्लान फुल हो गया प्लान। देखिए ना तत्काल में एक टिकट तो मिल ही जाएगी। अरे हम खुद तत्काल में जा रहे हैं भाई। नहीं नहीं बेना जीजा जी को टेंशन मत दे, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे अहमदाबाद में बहुत काम है। ठीक है, टप्पू के पापा वीरा कह रहा है कि जीजा जी को बोलना कि मेरी टिकट का टेंशन ना ले, मैं नहीं आ पाऊंगा। फोन चालू है। हाँ हाँ वीरा वीरा माँ को फोन दो ना। बेना माँ तो मॉल में गई है। ओह क्या शॉपिंग करने गई है? नहीं नहीं शॉपिंग करने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए गई है। दर्शन करने मॉल में?
पर है ना, वो अहमदाबाद में एक नया मॉल बना है और मॉल वालों ने मॉल में एक छोटा सा मंदिर बनाया है, तो माँ वहाँ दर्शन के लिए गई है। वाह वाह, वीरा हमारी माँ तो अनमोल है। चलो काम है, जल्दी चलो। हाँ वीरा, माँ को एक खुशखबरी दे देना, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय बेना। बोलिए। हो गया फोन? हाँ। अभी फोन एक बाजू पे रख दीजिए और यहाँ आइए जरा। चलिए चलिए चलिए, आइए बैठिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, वो आप सुन लीजिए। बहू जी, जी। अरे जेठिया, अरे डिज्नीलैंड तो बहुत जबरदस्त जगह है। ये टप्पू मुझे अभी इस पे वीडियो दिखा रहा था। ये टप्पू ले, तेरे मम्मी और पापा को भी दिखा। पापा ये देखिए। बेटा 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 बाद में देख लेंगे, पहले एक ग्रुप लीडर होने के नाते मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है, वो आप जरा ध्यान से सुनिए। बैठिए। ले बैठ गए, बोल। सबसे पहले दया, तू वहाँ हांगकांग में डिज्नीलैंड में तो कहीं भी गरबा करना शुरू मत कर देना, क्योंकि हांगकांग विदेश है, अहमदाबाद नहीं है, इसलिए अपने थिरकते हाथ पैर को जरा हाथ में रखना, ठीक है? ठीक है। शाबाश। अभी दूसरा, टप्पू तू और तेरी टप्पू सेना, एक बात का खास ख्याल रखना, मस्ती मजाक जब तक सोसाइटी में है तब तक अच्छी लगती है। आपको तो सोसाइटी में भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं ये कह रहा था कि मस्ती मजाक अगर सोसाइटी में है तो अच्छी लगती है, लेकिन याद रहे वहाँ डिज्नीलैंड में तू और तेरी टप्पू सेना कोई मस्ती नहीं करेंगे, मुझे तुम लोगों की कोई फरियाद आनी नहीं चाहिए, ठीक है? ओके पापा, डोंट वरी। शाबाश। अभी बापूजी, आप आपका आज तक का रिकॉर्ड है, हम जहाँ भी जब भी घूमने गए हैं आप एक बार तो गुम हुए ही हैं, इसलिए इस बार आप इस बात का खास ख्याल रखना कि आप गुम ना हो जाए। ए भाई ए, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैं जानबूझ के गुम हो जाता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। नहीं नहीं, क्या मतलब, क्या है तेरे कहने का है? क्या मतलब है तेरा? देखिए देखिए बापूजी, आप एक ग्रुप लीडर के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। ए लीडर वाली, तू लीडर होगा अपने घर में, मतलब घर के बाहर, ये घर में तेरी लीडर गिरी नहीं चलेगी, समझा? आयो मोटो कहीं लीडर यो। पापू जी, मुझे आपकी चिंता हो रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ। पापा आपको किसी के भी कोने का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे ए, 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 सुनो, ऐसा ग्रुप लीडर की इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। ये ग्रुपिया शांति रख, मैं देखता हूँ। ये देखिए। अरे वाह, कोको जम सोसाइटी का झंडा। हाँ मम्मी। ये क्यों बनाया? पापा मान लो उधर कोई इधर उधर हो गया तो हम ये झंडा ऐसे लहराएंगे, तो जो भी इधर उधर हो गया होगा वो ये झंडा देखकर झंडे के पास आ जाएगा। वाह वाह। लेकिन मान ले ये झंडा जिसके पास है वो ही इधर उधर हो गया तो? टप्पू के पापा, आप नकारात्मक क्यों सोच रहे हैं कि कोई गुम होगा? सिर्फ सकारात्मक सोचिए ना कि कोई गुम नहीं होगा। हाँ तो, अरे कोई गुम नहीं होगा, पूरे डिज्नीलैंड में हम गोकुलधाम का झंडा लहराएंगे। बोलो गोकुलधाम की जय। गोकुलधाम की जय। तू भी बोले कृपया। बोलो गोकुलधाम की जय। अरे अंजलि मैडम, कहाँ तैयार हो गए गुनगुनाते हुए? सेलिब्रेट करने। सेलिब्रेट करने क्या तारक? आज अपनी गोकुलधाम सोसाइटी के हर घर में हांगकांग जाने का इतना उत्साह और खुशी है जैसे कि कोई त्योहार हो, तो उनके साथ साथ अपना भी सेलिब्रेट करना तो बनता है ना, जा नहीं रहे तो क्या हुआ? बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम, सोसाइटी का माहौल तो कमाल है भाई, खुशियाँ क्यों ना छाएंगी, हांगकांग जो जा रहे हैं सारे लोग। लेकिन आप सेलिब्रेट करने कहाँ जा रही है मैडम? तारक आप भूल गए, दया भाभी को मैंने प्रॉमिस किया है कि सबका नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी मेरी, उसी के लिए सामान लेने जा रही हूँ। अरे हाँ, फिर ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है। चलो चलो, लेट हो जाएगा। ना यार, ये देखो फ्रेंड, ये हमारी होटल है, हॉलीवुड होटल। क्या होटल है ना यार, I'm sure यहाँ पे खाना सुपर मिलता होगा और बहुत सारी वैरायटीज में होगा।
ओ फ्रेंड्स वाव, ये देखो वहां पर हमें मिकी माउस, मिनी माउस, डोनाल्ड डक, गूफी, प्लूटो सबसे मिलने का मौका मिलेगा। सो एक्साइटिंग। Dun 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 dun! Finish. जाए फिर भर देंगे और डिजर्ट के लड्डू भी तैयार है। गोली बेटा तुम चिंता मत करो, हांगकांग की हर एक डिश तुम्हें टेस्ट कराऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। पक्का ना पापा? पक्का वादा किया बेटा। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ कि सो गए बिचारे। जब से ग्रुप लीडर बना है मेहनत पे मेहनत कर रहे हैं तो थके जाएंगे ना। टप्पू के पापा। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं ये पूछ रही थी कि हम लोग कैसे जाने वाले हैं। पैदल? क्या सवाल पूछ रही है दया? हांगकांग यहाँ बाजू की गली में है। अरे प्लेन में ही जाएंगे ना दया, कैसे जाने वाले हैं क्या? हाँ, प्लेन में ही जाने वाले हैं, लेकिन प्लेन में बैठने के लिए हम घर से एयरपोर्ट तक कैसे जाने वाले हैं, ये पूछ रही थी। अरे दया, अच्छा याद दिलाया, सॉरी। और टैक्सी बुक करने का तो भूल ही गया मैं। थैंक यू याद दिलाया तूने। हाँ हेलो, देखिए 4 टैक्सी चाहिए आज शाम को 5 बजे गोरेगांव पाउडर गली से, अपना वो बड़ा एयरपोर्ट है ना फॉरन जाने का, वहाँ जाने के लिए। हाँ सामान थोड़ा बहुत रहेगा। हाँ कैरियर वाला भेजो। हाँ अपन लेट मत करना भाई, 5 बजे भेज देना 4 टैक्सी। ओके थैंक यू। हाँ ओके हो गए। कहाँ था मैं? बॉस का फोन। हेलो अय्यर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं अभी? यस सर, टेल मी, क्या बात है? अय्यर, आई नो कि तुम छुट्टी पर जा रहे हो, बट एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी? क्या इमरजेंसी सर? ऑफिस में एक बहुत ही जरूरी काम है तुम्हारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड, क्या तुम थोड़े समय के लिए ऑफिस आ सकते हो? मैं ऑफिस? हाँ अभी आ सकते हो। सर आज शाम को मेरा हांगकांग का फ्लाइट है। डोंट वरी, उससे पहले तुम फ्री हो जाओगे, थोड़ा अर्जेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्टर अय्यर। ओके सर, आई एम कमिंग, मैं आता हूँ। ओके थैंक यू अय्यर। व्हाट, आई एम कमिंग? हाँ तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम अभी के भी बॉस को फोन करो, तुम कहते हो कि तुम नहीं आ सकते, दैट्स इट, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके सॉरी बबीता, ट्राई टू अंडरस्टैंड बबीता, बहुत अर्जेंट है और फिर थोड़ी देर का तो काम है, प्लीज बबीता। देखो मैं एयरपोर्ट डायरेक्टली पहुंच जाएगा और फिर अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं, देखो 12 बजे हैं और हमको 6 बजे जाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज बबीता, अर्जेंट काम है प्लीज। ओके फाइन, बट प्लीज टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाना। ओके प्लीज। अरे 6 बज गए अभी तक टैक्सियां नहीं आई। जेठालाल, ओ जेठालाल, लगा टैक्सी वाले को फोन लगा। हाँ बाबूजी। तो बात कर, तो फोन उठाए तो बात करूँ ना बापूजी। किधर है तेरा टैक्सी वाला? वो फोन उठाए तो पता चले कहाँ है बापूजी। ग्रुप लीडर साहब, तुम्हारे ये सुन क्यों नहीं रहा है? जेठा ने टैक्सी बुक की है कि नहीं की है? टैक्सी नहीं आएंगे तो एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे? दो
दोस्तों कई बार एक छोटे से कलपुर्जे खराब हो जाने की वजह से बड़ी सी मशीन रुक जाती है, कई बार एक छोटी सी मशीन के खराब हो जाने की वजह से बड़ी सी फैक्ट्री रुक जाती है, कई बार एक छोटे से मजाक की वजह से पति पत्नी के बीच में तनाव हो जाता है। भाई यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में सब लोग जाने वाले हैं फॉरेन ट्रिप पे और टैक्सी नहीं आई है अभी तक। भाई कहीं ये छोटी सी गड़बड़ इनकी बड़ी यात्रा में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ पैदा ना कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो जेठालाल का क्या होगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो जेठालाल की है। भाई देखना ये होगा कि टैक्सी नहीं आई है तो ये लोग वक्त पे एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे या नहीं। भाई ये लोग वक्त पे या सही वक्त पे पहुंचे ना पहुंचे, हम लोग कल ठीक वक्त पे मिल जाएंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के लिए। फिर देखते हैं कि ये हंगामों की यात्रा आपके घरों में कितने ठहाके लेके आती है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।